काटरेज को वैक्स हीटर के बगैर कैसे इस्तेमाल करें कैसे गर्म करें इसको हम गर्म पानी में डालकर मेल्ट कर सकते हैं क्या सही रहेगा रिका वैक्स कार्टरेज को हम कैसे रिफिल कर सकते हैं काटरेज को क्लीन कैसे कर सकते हैं फेस पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं ये वैक्स तो बहुत महंगी लग रही है इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं ये वीडियो आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ मैंने एक साल पहले डिपिलेटरी वैक्स सीटर पर एक वीडियो बनाई थी मुझे अब तक कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं वो वीडियो मैंने पाकिस्तान में बनाई थी वहाँ मेरे पास डिपिलेटरी वैक्स वैक्सीटर था लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक खरीदा नहीं रोलर के लीड को कैसे ओपन करेंगे और इसको गर्म कैसे करेंगे विदाउट डिपिलेटरी वैक्स विदाउटरी वैक्सीटर असला वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मेरे पास दो वैक्स रोलर हैं एक के अंदर है बनाना फ्लेवर और दूसरे के अंदर है हनी वैक्स इसको ओपन कैसे करते हैं इसके अंदर से वैक्स निकाल के अगर आपने कोई और वैक्स भरनी है वो किस तरह से आप इसके अंदर रिफिल कर सकते हैं इसकी लीड को ओपन कैसे करना है ये मेन क्वेश्चन है कि इसको ओपन कैसे किया जाता है और इसके अंदर वैक्स कैसे भरी जाती है दो तरीके के साथ हम इसकी लीड को ओपन कर सकते हैं इसको इसलिए लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं कि इससे मैस क्रिएट नहीं होता इसको हम गर्म करते हैं और एकदम से ही अप्लाई हो जाती है किसी स्पैचुला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी हीटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस रोल के अंदर रिका वैक्स भी मिल जाती है और भी डिफरेंट तरह की वैक्सीज इसके अंदर होती हैं मेरे पास दोनों काटरेज के अंदर लिपोसल्यूबल वैक्स है ये वो वैक्स होती है जो स्वेटिंग में भी यूज हो जाती है अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो तब भी ये वैक्स यूज हो जाती है आप आते हैं कि इसकी लीड को कैसे ओपन किया जाए जब वैक्स इसके अंदर मेल्ट हुई नहीं होती जमी हुई होती है तो इसकी लीड को ओपन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको ओपन करने के लिए काफ़ी फोर्स लगाना पड़ती है आप किसी नोकीली चीज़ से या किसी सॉलिड चीज़ के साथ इसको आगे की तरफ पुश करेंगी इस तरह से चारों साइड से पुश करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाती है लेकिन थोड़ी सी फोर्स लगती है दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उससे बहुत आसानी के साथ इसकी लीड ओपन हो जाती है वैक्स काफ़ी जमी हुई है जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे तो ये इसके रोलर के ऊपर नहीं आती जितना भी आप इसको नीचे की तरफ कर लें तो ये यहीं पर जहाँ पर यह हुई, हुई है यहीं पर रहेगी इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है मेरे पास भी वैक्स हीटर नहीं है तो हम इसको देसी तरीके से गर्म कर लेंगे मैं अपने बाजुओं पर वैक्स करने लगी थी तो डेली बेसिस पर आप लोगों के कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक वीडियो शेयर कर देती हूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और मैं भी अपना काम कर लूंगी इसकी प्राइस भी मैं बता देती हूँ इसकी प्राइस है सेवन धर्म एक कार्टेज की और दूसरे की भी सेवन धर्म अब एक पॉट में आपने पानी लेना है पॉट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सीधा जिसके अंदर और उसका मुंह भी ऊपर से ज़्यादा खुला ना हो ताकि अगर ये गिर भी जाए तो इसके अंदर पानी ना जाए ये गिरेगा भी तो इसके किनारों पर ही ये लीड इसकी लग जाएगी इसके अंदर अगर पानी चला जाएगा तो आपकी वैक्स जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो फिर अच्छे से अप्लाई नहीं होगी पानी में जब बबल्स आने लग गए तो मैंने इस काटरेज को सीधा इसके अंदर रख दिया इस वैक्स को गर्म होने में तकरीबन पाँच मिनट लगेंगे इतना टाइम ही हीटर में लगता है पाँच दस मिनट तो हीटर में भी लग जाते हैं और इतना ही टाइम इस पानी के अंदर लगेगा इसके बाहर से ही नज़र आ जाता है कि वैक्स मेल्ट हो गई है और हल्की मूव होना स्टार्ट हो गई है नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया और उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी रनी हो गई है तो ये देखें मेल्ट हो गई है पाँच मिनट के अंदर अंदर ही ये मेल्ट हो गई है अब मैं इसका लीड ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये देखें अब हल्का सा पुल करने से इसका लीड ओपन हो गया है अब मैं इसको एक ग्लास में निकाल लेती हूँ इस तरह से ये आराम से निकल जाती है आप अपनी मर्जी की रिका वैक्स इसके अंदर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको सूट करती है वैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सोच समझ कर ख़रीदना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा केसेस में आपकी स्किन निकल जाती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो बाज़ात स्किन भी रिमूव कर देती है साथ ही ये देखें सारी वैक्स निकल चुकी है एक और कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि हम इसको बिकनी एरिया में सेंसिटिव पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं या नहीं जो सेंसिटिव पार्ट्स के लिए वैक्सीज इस्तेमाल की जाती हैं वो सैलॉन वाली खुद बनाती हैं जो हम घर पे लेमन की और चीनी वगैरह डाल के शुगर डाल के बनाते हैं वो वाली वैक्स वो बनाती हैं वो यूज़ करती हैं क्योंकि बाद कुछ लोगों को तो सूट कर जाती है वैक्स लेकिन कुछ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और स्ट्रिप के साथ ही स्किन निकल जाती है अब इसको रिफ़िल करने का तरीका भी देख लें कि काटेज के अंदर किस तरह से रिफ़िल की जाती है इसी तरह से गर्म करना है फिर से आपने और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर फिल कर देंगे इस तरह से आप स्पून के साथ भी कर सकती हैं और डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकती हैं अब इसकी लिड को ऊपर से हम पुश कर देंगे अच्छे तरीके से दबा के इसको प्रेस करेंगे क्योंकि अब ये वैक्स जो है हमारी गर्म हो चुकी है अगर थोड़ा सा भी हम नीचे करेंगे तो इसका लिड निकल जाएगा और आपकी स्किन जल जाएगी अब ये वैक्स नीचे आना स्टार्ट हो गई है अब आते हैं कि इस रोलर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन कर लें वैक्स स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं और बालों की डायरेक्शन देखनी है जिस तरफ बालों की डायरेक्शन होगी उस तरफ़ हम वैक्स को अप्लाई करेंगे बहुत सारी लड़कियों की यह शिकायत होती है कि हमें वैक्स करवाते हुए बहुत ज़्यादा पेन होता है इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं आपकी वैक्स अच्छे से गर्म नहीं हुई होगी या वैक्स अच्छे से अप्लाई नहीं हुई वैक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वैक्स की पट्टी भी अच्छे तरीके से नहीं खींची गई ये मेन रीजंस हैं पेन होने के रोलर को बिल्कुल सीधा रख के इस तरह से वैक्स अप्लाई करेंगे एक साथ ही पूरे बाजू पर वैक्स अप्लाई हो जाती है अब ये गर्म हो चुकी है तो पूरे बाजू पर मैं लगा लूँगी और एक साथ ही हम स्ट्रिप के साथ इसको खींच देंगे ये देखें वैक्स अच्छे से अप्लाई हो गई है पूरे बाजू पर एक साथ ही लग गई है अब आपने जो स्ट्रिप है उसके अभी दो साइड्स होती हैं एक जो थोड़ी खुरदरी साइड होती है वो नीचे की तरफ आएगी फ्लैट ऊपर की तरफ आएगी वैक्स आपने देखा कि मैंने किस तरफ को अप्लाई की जिस तरफ बालों की डायरेक्शन थी अब ऑपोजिट साइड पे मैं इसको पुल कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी जगह पर इसको लगाते जाएंगे और इसको हम खींचते जाएंगे इस तरह से ये देखें इस तरह से और अच्छे से जो बाल हैं वो निकल रहे हैं एक भी बाल ना कोई बाल टूट रहा है ना कोई बाकी बच रहा है वैक्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है फिर जो स्ट्रिप है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपको मेथड भी आना चाहिए वो भी प्रॉब्लम ये आती है कि बाल इसलिए रह जाते हैं कि या तो आपने वैक्स अच्छे से अप्लाई नहीं की या आपको पुल करने का नहीं पता आप कोई पट्टी इस तरफ को खींच रही हैं कोई उस तरफ को खींच रही हैं उससे एक तो दर्द ज़्यादा होता है दूसरा ये है कि बाल भी रह जाते हैं बीच बीच में से टूट जाते हैं और बार बार वैक्स लगाना पड़ती है एक दफ़ा आपने वैक्स लगा ली एक जगह पर दोबारा कभी भी उस जगह पर वैक्स ना लगाएं आपकी स्किन निकल जाएगी और इस वैक्स के बारे में पूछा जाता है कि इसको हम फेस पर कर सकते हैं या नहीं तो मैं तो ये कहूँगी कि इस वैक्स को अपने फेस पर अप्लाई ना करें फेस पर हमेशा क्रीम वैक्स हार्ड वैक्स या उसके अलावा जो फिंगर वैक्सीस होती हैं वो इस्तेमाल करें क्योंकि उससे स्किन बहुत ज़्यादा सेफ़ साइड पर रहती है स्किन नहीं निकलती स्किन डैमेज नहीं होती दाने वगैरह भी नहीं बनते ये देखे दो मिनट के अंदर अंदर फुल बाजू मैंने कर लिया साथ डेड स्किन भी निकल गई है और बाल छोटे से छोटा बाल भी ये रिमूव कर देती है रोल ऑन वैक्स करना इसलिए ज़्यादा ईजी है कि ये बहुत आसानी से हम घर पर ही कर सकते हैं किसी सलोन वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और फिर चार्ज भी इस तीन चार गुना ज़्यादा हम वहाँ पर पे करके आ जाते हैं क्योंकि सलोन वालों ने भी अपने टाइम के और अपनी मेहनत के पैसे चार्ज करने होते हैं वैक्स का ये काटेज अगर खाली हो जाए तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें इसको संभाल के वॉश करके रख लें बार बार काटेज लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसी के अंदर रिफ़िल कर लें और फिर इसको यूज़ करें यह रीयूजल है बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं तब तक इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक इसका रोलर सही काम कर रहा है तो आफ्टर रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये है आफ्टर रिज़ल्ट स्किन क्लीन हो गई है और शाइन भी कर रही है आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज